और ये है एनिमल का बोलबाला सीरीज एपिसोड नंबर 5। और आज हम लोग सीखेंगे कैसे बनाए फैंसी वॉल हैंगिंग बुल हेड, वो भी बहुत आसान तरीके से। और हम इसे रात में नाइट लैम्प की तरह भी यूज कर सकते हैं और दिन में इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ज्यादा समय ना गवाते हुए सीखते हैं कुछ नया। सबसे पहले हमें फैंसी वॉल हैंगिंग बुल हेड का जो बेस है उसको पेंसिल की मदद से कार्डबोर्ड में ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। पूरी तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसको सीजर की मदद से कट कर लेनी है। और अब हमें देखिए कार्डबोर्ड का इस तरह का शेप बनाना है और उसके बाद अब हमें इसको उसके सही जगह पे पेस्ट कर देना है फेविक्विक को यूज करके। और अब हमें फैंसी वॉल हैंगिंग बुल हेड का ऊपर वाला हिस्सा बनाना है कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड और पेंसिल को यूज करके ड्रॉ करके। पूरी तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसको सीजर की मदद से कट कर लेनी है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इसको देखिए बेंड करना है। और अब हमें बनाना है सिंग। और आपको देखिए कार्डबोर्ड को इस शेप में कट कर लेनी है। इस शेप में कट करने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरह से इसको बेंड करना है। बेंड करने के बाद आपको एल्यूमिनियम वायर अटैच करनी है वाइट टेप को यूज करके कुछ इस तरह से। और न्यूज़पेपर को यूज करके देखिए आपको कुछ इस तरह का शेप बनाना है और उसको उसके सही जगह पे पेस्ट कर देना है वाइट टेप को यूज करके। और इसी के साथ जो हमारा सिंग है वो ऑलमोस्ट बन के कम्प्लीट हो गया है। और अब हमें जो लाइटिंग वाला काम है उसको कुछ इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करके कम्प्लीट करना है।
और इसी के साथ देखिए जो लाइटिंग वाला काम था वो भी कंप्लीट हो गया। और अब हमें उसको उसके सही जगह पे पेस्ट कर देना है वाइट टेप को यूज करके कुछ इस तरह से। और सिंक बन के कंप्लीट हो गया। और अब हमें इसको उसके सही जगह पे पेस्ट करना है टेप को यूज करके कुछ इस तरह से। और अब हमें इसको मजबूत बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए पावर ग्लू। और इसे कैसे बनाते तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है और इस वीडियो की लिंक दे दी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपको न्यूज़पेपर में लगाना है पावर ग्लू। और अब हमें इसको पूरी तरह से न्यूज़पेपर की टू लेयर से इसको ढक के मजबूत कर देना है। और अब हमें इसको रखना है 2 घंटा धूप में सूखने के लिए। और 2 घंटे बाद देखिए काफ़ी मजबूत हो चुका है। और अब हमें इसमें लगाना है पावर स्मूथ पेस्ट। और इसे भी कैसे बनाते हैं तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है और इस वीडियो की लिंक दे दी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपको पावर स्मूथ पेस्ट का 2 लेयर ऑलमोस्ट अप्लाई करना है। और अब हमें इसको भी रख देना है 2 घंटा धूप में सूखने के लिए। और देखिए सूखने के बाद काफ़ी मजबूत हो चुका है। और अब हमें इसमें बालू कागज मीन सैंड पेपर को यूज़ करके इसको और स्मूथ बनाना है कुछ इस तरह से। और अब हमें इन सब में कर देना है कलर। और मैं फेब्रिल का एक्रेलिक कलर यूज कर रहा हूँ। और अब हमें इसको रख देना कुछ समय सूखने के लिए। और जैसे आप देख सकते हैं कि अब कलर सूख चुका है। और अब हमें ये दोनों हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ देना है फेविक्विक को यूज करके कुछ इस तरह से। और ये दोनों हिस्सों को जोड़ने के बाद अब हमें इसको थोड़ा डेकोरेट करना है कुछ इस तरह के डिजाइन को ड्रॉ करके। और अब हमें इस तरह के देखिए स्टेप्स को फॉलो करके इसको और भी अच्छा लुक प्रोवाइड करना है। और देखिए मैं जूट का जो रस्सी होता है उसको यूज़ करके कुछ इस तरह से एक छल्ला बनाया और उसको मैंने पेस्ट कर दिया नाक में नथनी बनाने के लिए। और देखिए फेविक्विक को यूज़ करके उस तरह से मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया जो जूट का थ्रेड है। और इसको पेस्ट करने के बाद देखिए इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और देखिए अब बल्ब को भी अटैच कर दिया। और इसी के साथ ये जो हमारा फैंसी वॉल हैंगिंग बुल हेड है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है।
और देखिए इसको वॉल में अटैच करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है। और दोस्तों हम लोग ने सीख लिया इसको कैसे बनाना है, आपने देख लिया वॉल में अटैच करने के बाद इसका कैसा लुक आता है लाइट के साथ और लाइट के बिना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।